बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको पेज नंबर 89 पे मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। चाहिए चैप्टर नंबर 2 का ये, ठीक है? चलें भाई लिखिए जरा मेरे साथ। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपका टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जिसमें आपके पास ये तरह तुम्हारे पास सेंडर और ये रहा तुम्हारे पास रिसीवर। भाई सेंडर जब रिसीवर को डेटा सेंड करेगा ना, तो वो प्रॉपर बाइनरी बिट्स के अंदर जा रहा था। हाँ, प्रॉपर बाइनरी बिट्स का मतलब नीचे वाला होगा 0 और ये वाला होगा 1, फिर बच्चों नीचे वाला होगा 0 और ऊपर वाला क्या होगा 1। अच्छा खासा डेटा जा रहा था, बीच में क्या आ गया बेटा? नॉइस आ गया। जब बीच में नॉइस आ जाएगा तो डेटा क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा। जब बीच में नॉइस आ गया तो डेटा क्या हो गया बेटा? करप्ट हो गया। डेटा क्या हो गया? करप्ट हो गया। उस करप्ट होने की वजह से आपको कुछ मेथड अप्लाई करने होंगे। उन मेथड का नाम है एरर डिटेक्शन और करेक्शन। क्या नाम है बेटा? एरर डिटेक्शन और करेक्शन। क्या नाम है? एरर डिटेक्शन और करेक्शन। बच्चों आपके पास 5 तरीके के मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन और करेक्शन है, जिसमें से 4 के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखिए मेरे साथ पेज नंबर 89 पे। नंबर 1 पैरिटी चेक, नंबर 2 चेक डिजिट, नंबर 3 ARQ, नंबर 4 इज इको चेक। पेज नंबर 89 निकालें। चलो आगे बच्चों। बच्चों एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड कितने हैं आपके पास? कौन कौन से? पैरिटी चेक, चेक डिजिट, ARQ और हाँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्या पढ़ाऊं? पैरिटी चेक। आओ बच्चों पेज नंबर 89 पे ये भी लिखा हुआ है कि पैरिटी चेक मेथड आपके पास वो मेथड होता है जो मैं आपको थोड़ी देर में ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है आपके पास ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, चेकसम। और बच्चों एक 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 आपके सिलेबस में नहीं है, वो कौन सा है? इको चेक। इको चेक इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इको चेक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो सुन लें बच्चों। पैरिटी चेक की डेफिनेशन भी आती है, लिखो डेफ प्लस क्वेश्चंस। पैरिटी चेक की डेफिनेशन भी आएगी और क्वेश्चंस भी आएंगे, देखो अपने पास। ARQ के सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी बेटा? डेफिनेशन। चेकसम की डेफिनेशन आती है प्लस क्वेश्चंस भी आते हैं।
चेक डिजिट के डेफिनेशन प्लस थ्री केसेस ऑफ क्वेश्चन आएंगे इसके, तीन केसेस के सवाल आते हैं इसके, सही है। सबसे ज्यादा अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है चेक डिजिट, सबसे ज्यादा पूछा गया चेक डिजिट। चेक डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड द वैलिडेशन चेक ऑफ पेपर नंबर टू, याद आया पेपर टू में वैलिडेशन चेक था ना, प्लान चेक, प्रेजेंस चेक, बच्चों उसके अंदर वैलिडेशन चेक एक आपके पास एक और था, वो क्या था, चेक डिजिट। सबसे ज्यादा लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चेक डिजिट होगा, सही है। आइए मैं पढ़ाता हूं आपको बेटा पैरिटी चेक क्या हो, स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें हम, व्हाट इज पैरिटी चेक। चलो आज हमें पैरिटी चेक, एआरक्यू और चेकसम करना है, चलो स्टार्ट। बच्चों पेज नंबर 90 पे आपको मेरे साथ लिखना है कि पैरिटी चेक एक ऐसा मेथड होता है, पेज नंबर 90 पे आपको मेरे साथ लिखना है, आ जाएं पेज नंबर 90 पे, पेज नंबर 90 पे आ जाएं सारे बच्चे, करो ना काम बेटा। पैरिटी चेक में आप काउंट करते हो नंबर ऑफ वंस, क्या काउंट करते हो बच्चों आप लोग, नंबर ऑफ वंस, क्या काउंट करते हो बच्चों आप लोग, नंबर ऑफ, ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, बोर्ड पे देखें बच्चों। पैरिटी चेक के अंदर आप हमेशा वन को काउंट करोगे, लड़कों मुझे बताओ जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल आठ हो गया बेटा, 1 0 1 1 0 0 1, बच्चों बताओ हाउ मेनी बिट्स आर देयर, कितने बिट्स हैं इसके अंदर बच्चों, कितने बिट्स हैं, आठ बिट्स, कितने बिट्स हैं, आठ। बच्चों जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ना ये कहलाती है पैरिटी बिट, क्या कहलाती है बच्चों, पैरिटी बिट, क्या कहलाएगी ये, पैरिटी बिट, हाँ ठीक बच्चों, लेफ्ट मोस्ट बिट क्या कहलाएगी, पैरिटी बिट। सात बिट के अंदर तुम्हें नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, किसको काउंट करना है, वंस को या जीरोस को, वंस को काउंट करो, एक दो तीन चार, कितने हो गए बेटा, चार, क्लियर है। अब एग्जामिनर आपको एक इवन, एग्जामिनर आपको एक एग्रीमेंट देगा, एग्जामिनर आपको क्या देगा, एक एग्रीमेंट, एग्जामिनर आपको एक क्या देगा, एग्रीमेंट, एग्जामिनर आपको एक क्या देगा, एग्रीमेंट। आओ बच्चों मैं दिखाता हूं पैरिटी चेक के अंदर, चलो देखते रहे आप लड़कों, पैरिटी चेक के अंदर एग्जामिनर आपको एक एग्रीमेंट देगा, एग्रीमेंट हुआ होगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान, एग्रीमेंट हुआ होगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान, ठीक है भाई। सेंडर ने डेटा सेंड करा, जो भी करा, रिसीवर के पास वही डेटा आना चाहिए, अगर रिसीवर के पास वही डेटा नहीं आया दैट मींस एरर है, दैट मींस क्या है बेटा, एरर है। सेंडर ने डेटा सेंड करा, वही डेटा रिसीवर के पास आएगा तो एरर नहीं है, और अगर उसके अलावा कोई डेटा आया, डिफरेंट डेटा आएगा तो क्या होगा, एरर, क्लियर है। चलो अब सेंडर रिसीवर के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर आप काउंट करोगे वंस को, आप काउंट करोगे किसको बेटा, वंस, सिर्फ वंस को। और वो जो वंस का एग्रीमेंट होगा ना, वो एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो इवन नंबर ऑफ एग्रीमेंट होगा या तो वो ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन उसका एग्रीमेंट हुआ है इवन, क्या हुआ है बेटा, इवन, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस को अलाउ करेगा और जो इवन नहीं होंगे उनको अलाउ नहीं करेगा। तो बच्चों यहां पर सेंडर ने डेटा सेंड करा, ये मुझे बताओ सेंडर ने जो डेटा सेंड करा इसमें नंबर ऑफ वन कितने, तीन है, हाँ कितने बेटा, तीन, तीन तो हो नहीं सकते सही डेटा सेंड करेंगे बच्चों, आप कितने, चार, चार नंबर ऑफ वंस है, हाँ चार नंबर ऑफ वंस का मतलब इवन एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, हो गया, यानी कि सेंडर ने बिल्कुल सही डेटा सेंड करा था, सेंडर ने डेटा सेंड बिल्कुल सही करा। अब रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचते वक्त बीच में नॉइस आ गई, जैसी नॉइस आई तो बीच में से एक बिट जो है ना वो गलत हो, ये वाली बिट, हाँ रिसीवर के पास ये बीच में कहीं नॉइस आ गई और ये वाली बिट क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बिट के लिए क्या होगा जरा बताओ, एग्जैक्टली सेम डेटा कॉपी होगा, 1010
100 और लास्ट में क्या लगा दिया तुमने एक्स्ट्रा 0, ये वाली बिट इनकरेक्ट हो गई ना। रिसीवर काउंट करेगा, रिसीवर काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस को। बच्चों वन कितने हो गए इसके पास अब, बच्चों वन कितने हो गए 3। क्या ये इवन रहा या नहीं रहा? नॉट इवन रहा, दैट मीन्स ट्रांसमिशन में क्या है, एरर है। दैट मीन्स जो डेटा इसके पास रिसीव हुआ है वो क्या है बेटा, गलत है या मिस्टेकन है। क्लियर है? देखो बेटा, सेंडर ने जो ट्रांसमिशन भेजी थी उसके अंदर इवन नंबर ऑफ एग्रीमेंट था, इवन नंबर ऑफ वन था, बट रिसीवर के पास एक बिट गलत हो गई। उस गलत को उसने बेटा क्या करा, पिक करा, कहा कि नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है। जब इवन नहीं है तो ट्रांसमिशन में क्या है बेटा, एरर। क्या है बेटा, एरर। क्लियर है? चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल करा है आपको, एक्चुअल में ऐसे लिखना है आपको। आओ लिखो मेरे साथ पेज नंबर 90 पे कि आपको एक एग्रीमेंट गिवन होगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान बच्चों एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में आप काउंट करते हो नंबर ऑफ वंस, उस एग्रीमेंट में आप काउंट करते हो नंबर ऑफ वंस। वो वंस इवन भी हो सकता है, वही वंस ऑड भी हो सकते हैं, यानी कि दो तरीके के एग्रीमेंट है, इवन और ऑड। दो तरीके के एग्रीमेंट है, इवन और ऑड। क्लियर है? इवन और ऑड। बच्चों इवन एग्रीमेंट में आपकी जो वंस की काउंटिंग होगी वो इवन होनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8। अगर ये होगी तो आप अलाउ कर देना, अगर ये होगी तो आप क्या कर देना, अलाउ कर देना। अगर ये नहीं होगी तो आप क्या करोगे, ब्लॉक लिखो ना। अगर ये नहीं होगी नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग, अगर 1 हो 3 हो या 5 हो, ये नहीं है ना, ऑड इवन नहीं है। जब इवन नहीं होगा तो आप क्या कर दोगे, नॉट अलाउ, यानी कि ब्लॉक करोगे। आप बोलोगे कि भाई इसमें एरर है। ठीक है? तो बच्चों ये वाली जो चीज है ना ऊपर वाली, ये बिल्कुल सही है, और नीचे वाले अगर नंबर ऑफ वन होंगे तो इनमें क्या होगा, एरर होगा। इसी तरीके से ऑड एग्रीमेंट की बात हो रही है, अगर ऑड नंबर ऑफ वन है, अगर ऑड नंबर ऑफ वन है तो आप अलाउ कर देना, और अगर ऑड नंबर ऑफ वन नहीं है तो आप क्या कर देना, मना कर देना, कहना कि भाई इसमें एरर है। चलो आगे बच्चों, जीरो जीरो वाली क्या, राइट वाली बेटा ऑड है ये, 0-0 नहीं है, दिस इज ऑड, ऑड लिखा है मैंने, समझा? चलो आगे, लड़को इवन की एग्जांपल करवा रहा हूं, इधर देखो यहीं पे करवा रहा बच्चों। ये सवाल करवा, इधर देखें, एग्रीमेंट आपके पास गिवन है इवन, एग्रीमेंट आपके पास क्या गिवन है, इवन। बच्चों इवन एग्रीमेंट के अंदर आपके पास, बच्चों इवन एग्रीमेंट के अंदर आपके पास इवन होने चाहिए ना। आओ देखो बेटा क्या नंबर ऑफ वंस इवन है, 1, 2, 3 इवन है या नहीं है, लड़कों बोलो इवन है या नहीं है। हाँ ये लिखा हुआ ना, इवन नंबर ऑफ वंस है या नहीं, नहीं है ना। जब इवन नंबर ऑफ वंस नहीं होगा तो आप क्या पुट
पुट करोगे, क्या पुट करोगे, यानी कि एरर है, आपने क्या पुट कर दिया, वन, क्या पुट कर दिया, वन, सही है ना, ठीक है, आपने क्या पुट कर दिया, वन, ठीक है। सेम गोज विद ऑड, बच्चों ऑड एग्रीमेंट आपको देख के देने हैं, यहां ऑड एग्रीमेंट गिवन, बच्चों ऑड एग्रीमेंट में आप क्या करोगे, ऑड एग्रीमेंट की एग्जांपल करवा, फॉर एग्जांपल आपके पास की 8 बिट का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा तुम्हारे पास 100, बच्चों बताओ ऑड नंबर ऑफ वंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सिर्फ एक वन है और बाकी सारे जीरो, अगर आपके पास एक वन है और बाकी सारे जीरो, अगर एक वन है और बाकी सारे जीरो, दैट मींस ऑड बन रहा है ना बच्चों, जब ऑड बन जाएगा, ऑड बन रहा है दैट मींस कोई एरर नहीं है ना, तो आप क्या पुट करोगे बेटा, क्या पुट करोगे, जीरो, सिर्फ एक वन है बाकी सब जीरो है। आप बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी ऑड बन रहा है, जब ऑड बन रहा है तो आप सिर्फ क्या पुट करेंगे, जीरो, सही है, और अगर ऑड नहीं बन रहा होगा तो आप क्या पुट करेंगे, सही है। आइए एग्जाम्पल करते हैं बेटा, एग्जाम्पल करने से पहले पेज नंबर, ये लिखी हुई डेफिनेशन है आपके पास, लिखी हुई है 90 में नीचे डेफिनेशन लिखी हुई, हाँ बच्चों एग्जाम में सवाल आया कि भाई पैरिटी बिट को, पैरिटी चेक को डिस्क्राइब करें, हमने कहा पैरिटी चेक एक पूरा बाइट ऑफ डेटा को लेता है बेटा, पैरिटी चेक एक पूरे बाइट ऑफ डेटा को लेगा, मिली पॉइंट नंबर वन, टेक कर दें, पैरिटी चेक चेक्स अ बाइट ऑफ डेटा, दूसरा पैरिटी चेक इज परफॉर्म व्हेन डेटा इज रिसीव, मिल गया बच्चों, पॉइंट नंबर थ्री, पैरिटी चेक पैरिटी बिट इज एडेड टू द पैरिटी बाइट, काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस, ठीक है, और चेक करेगा कि वो इवन है या ऑड, उसके बाद बच्चों कैन बी इवन और ऑड, इफ पैरिटी बिट इज इनकरेक्ट तो डेटा क्या होगा, गलत होगा, एरर डिटेक्टेड होंगे, हाँ parity block allow an erroneous bit, erroneous bit का मतलब extra bit, उस extra bit को बोलते हैं parity bit, चलो आगे बच्चों, exam में describe करने को अगर आए तो ऐसे करेंगे, अब आओ भाई page number 91 पे आराम से देखिएगा बच्चों, page number 91 पे सुकून से आपको एक agreement given है, उस agreement का नाम है even agreement, हाँ को इवन एग्रीमेंट गिवन है, लड़को इवन एग्रीमेंट गिवन है, आपने नंबर ऑफ वंस काउंट किया 1 2 3 और 4, यानी कि इवन ऑलरेडी बन रहा है ना, जब इवन ऑलरेडी बन रहा होगा तो मैं क्या पुट करूंगा, जीरो, मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही है, कोई एरर ही नहीं है इसमें, और नीचे वाले में ऑड एग्रीमेंट है तो नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3 4, ऑड नहीं बन रहा, ऑड नहीं बन रहा तो मैं ऑड नहीं बन रहा तो मैं पैरिटी बिट की वैल्यू क्या रखूंगा, सॉरी वन, क्या पुट करूंगा, वन, क्लियर है, आसान है मुश्किल, बच्चों अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, चलो ये वाला पेज नंबर 92 पे आ जाओ, आ गए बच्चों, पेज नंबर 92 पे आपके पास हर सवाल के सामने उसका एग्रीमेंट गिवन है, हाँ इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, पार्ट ए के अंदर उसने कहा कि भाई इवन पैरिटी है तो बताओ एक बन रहा है या नहीं बन रहा है, इवन 1 2 3 4 5 इवन नहीं बन रहे ना, दैट मींस लेफ्ट साइड पे क्या पुट करूंगा, वन, पैरिटी बिट वैल्यू क्या होगी, वन, बाकी सब आप बताएंगे एबीसीडी, बी का क्या होगा, सी का, डी, ई, चलो आगे, चलो बच्चों, बच्चों पेज नंबर 92 पे आए, मैं एक आपसे सवाल करूंगा, मुझे उसका जवाब देना, लड़को इस पैरिटी बाइट मेथड में, पैरिटी बाइट मेथड में आपको मैंने एक एग्रीमेंट दिया, उस एग्रीमेंट का नाम है इवन एग्रीमेंट, क्या नाम है बेटा, ये मेरे साथ कॉपी करेंगे, एग्रीमेंट का नाम क्या है, इवन एग्रीमेंट,
यानी कि अगर इवन नहीं होगा तो तुम वन पुट करोगे, मान तो ये बात भाई इवन एग्रीमेंट है, और अगर नंबर ऑफ वंस इवन नहीं होंगे दैट मींस एरर होगा, दैट मींस क्या होगा, और अगर नंबर ऑफ वंस वन होंगे, नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो एरर नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि एक आपके पास पैरिटी बाइट मेथड है जिसके अंदर एक बाइट है, उसमें नंबर ऑफ वंस एक दो तीन है, इवन एग्रीमेंट है। तो आप बोलोगे सर इसमें कोई एरर है, इसमें क्या है कोई एरर है। मैं आपसे सवाल कहता हूं, कैन यू टेल मी कौन सी बिट में गलती है? भाई आपने बोला एरर है ना, मैंने मान लिया, मैंने वन पुट भी कर दिया, वन का मतलब है एरर है इसके अंदर। हाँ, कैन यू टेल मी विच बिट इज इनकरेक्ट, कौन सी बिट की पोजीशन इनकरेक्ट है, क्या आप बता सकते? क्या मुझे बताओ कि ये वाली बिट गलत है, ये वाली गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कौन सी बिट की पोजीशन गलत है? आपका आंसर होगा नो, यू कैन नॉट बी एबल टू टेल कौन सी बिट गलत है। ऐसी है ना बच्चों, आप बस मुझे ये बता रहे हो कि सर ये वाली जो ट्रांसमिशन हुई है दिस इज करेक्ट और दिस इज इनकरेक्ट। आप तो सिर्फ फ्लैग बता रहे हो, फ्लैग का मतलब स्टेटस बता रहे हो कि दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। कैन यू टेल मी कौन सी बिट गलत है, कैन यू टेल मी कौन सी बिट गलत है? आपका आंसर आएगा नो, आपका आंसर क्या आएगा नो। बच्चों यही सब बातें यहां लिखा हुआ है, सब यही सब बातें लिखी हुई है, कोई मस्ते वाली बात नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम is parity block method. The solution of this problem is parity block method. The solution of this problem is parity block method. सही है? Parity block method क्या होता है? आइए मैं आपको दिखाऊं। नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 92 पे parity block method लिखा हुआ है। पैरिटी ब्लॉक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज को, एक रो को नहीं लेंगे अब हम, मल्टीपल रोज को लेंगे, और बच्चों अब हम एक कॉलम को लेंगे, मल्टीपल कॉलम को लेंगे, कॉलम तो वैसे भी तुम्हारे पास 8 होते हैं ना। हाँ, तो बेटा नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी, यानी कि मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम, जब हम इनके नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे उसका जो इनकरेक्ट रो आएगी और जो इनकरेक्ट कॉलम आएगा, दोबारा सुनो, इनकरेक्ट रो एक ही आएगी और कोई इनकरेक्ट कॉलम आएगा ना, जब इनकरेक्ट रॉ और इनकरेक्ट कॉलम जो भी आएगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसका जो क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या कहलाएगा इनकरेक्ट बिट। क्या कहलाएगी बच्चों? इनकरेक्ट बिट। क्या कहलाएगी बच्चों? इनकरेक्ट बिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बड़ी सिंपल है, जरा देखो। वी काउंट द नंबर ऑफ वंस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बोलो क्या? वी काउंट द नंबर ऑफ वंस कैसे बेटा? Horizontally and vertically, उसका जो intersection point आएगा वो क्या होगा? Incorrect. क्या होगा? Definition edit कर लो, parity block. A method, a block of data sent at the number of ones are total horizontally and vertically. इसकी जो intersection point आएगा ना बच्चों, वो क्या कहलाएगा? Incorrect bit position. करवाऊं सवाल? आई लड़को डायरेक्ट सवाल करवाएंगे आपको। पेज नंबर है ये कौन सा पेज है? 93। अच्छा पेज नंबर 93 लड़को, पेज नंबर 93 पे, पेज नंबर 93 पे आपके पास एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर, मेरे पास तो लिखा हुआ है, आपके पास नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, लिख ले अपने पास ऑड एग्रीमेंट है, हेडिंग डालें ऑड एग्रीमेंट इज गिवन। ये देखो ऑड एग्रीमेंट है, कौन सा एग्रीमेंट है? ऑड है। आओ बच्चों, लड़को नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे आप लोग। पहली रो का नाम है बाइट वन, दूसरी रो का नाम है बाइट टू, बाइट वन के अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट करो, एक दो तीन, तीन लिख दिया मैंने, दूसरी बाइट में काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये तो बिल्कुल सही बच्चों, पहली वाली रो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ऑड है, दूसरी भी करेक्ट है ऑड, टिक कर दो। फिर बच्चों काउंट करो, एक दो तीन, तीन आ गया सही है, एक दो तीन चार, चार गलत है ना, क्रॉस बना दो शाबाश, और एक बाइट अगर इनकरेक्ट होगी तो बाकी सब बाइट क्या होंगी करेक्ट, आप करके देख लें। मैंने इस पूरी रॉ को हाईलाइट कर दिया बेटा, बाइट फोर गलत है ना, रॉ हाईलाइट कर दी मैंने। अब आ जाओ बच्चों कॉलम काउंट करते हैं, कॉलम से कॉलम के भी नंबर ऑफ वंस देखेंगे हम लोग, एक दो तीन चार पांच, ऊपर लिखो टॉप पे,
पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच एक दो तीन चार पांच छह सात, सही है, एक दो तीन चार पांच, सही है ना, सब सही चल रहा है अभी तक, सब और चल रहा है, एक दो तीन चार पांच, ये भी ठीक है बेटा, एक दो तीन चार, क्या गलत क्या है, बेट सिक्स में गलती है ना लड़को, हाँ बेट सिक्स गलत है, हाईलाइट कर लूं मैं, बेट सिक्स को भी मैंने हाईलाइट कर लिया, ये इनकरेक्ट बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला जीरो सर्किल करो बच्चों, इसको चेंज कर देना फॉर करेक्शन, ये चेंज हो जाएगा किसमें बेटा, वन में, अगर इसको करेक्ट करना होगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, वन में, अगर इसको करेक्ट करना होगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें बेटा, वन में, सही है, जब तुम यहाँ वन लगा दोगे लड़को तो तुम्हारी रॉ बाइट फोर भी क्या हो जाएगी, फाइव, और जब तुम यहाँ वन लगा दोगे तो बाइट बिट एट बिट सिक्स का कॉलम भी क्या हो जाएगा, फाइव, यानी कि करेक्ट हो जाएगा ना, सही है बच्चों, नीचे सवाल लिखा हुआ है, नीचे सवाल क्या लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी कौन सी रॉ गलत है, हमने कहा ये बाइट फोर गलत है ना बच्चों, आंसर लिखो, बाइट फोर इज इनकरेक्ट ना, और कौन सा कॉलम गलत है बेटा, बिट सिक्स, पार्ट ए पार्ट बी मिल गया आपको, हाँ बच्चों करेक्ट बाइट कैसे लिखते हैं, करेक्ट बाइट, आओ पूरी बाइट उठा के यहां रखो, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको तुमने क्या कर दिया, वन, देख रहे हो आप, पूरी बाइट उठा के रखी, इंटरसेक्शन पॉइंट जो था उसको चेंज कर दिया ना, फ्लिप कर दिया, जब फ्लिप कर दिया तो जो तुम्हारी बाइट बनी वो करेक्ट बनी या इनकरेक्ट बनी, करेक्ट, इसको डेंसिटी वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा कि राइट साइड से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, जीरो वाले क्या हो गए बच्चों, सही है, तो 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 कितना बना, कितना बना बेटा, पार्ट फोर के अंदर करा ना मैंने, कितना बन गया, 110, सही है, सबको समझ आ रहा है बच्चों, हेक्सा वैल्यू निकालनी है इसकी, यहाँ हेक्सा वैल्यू के अंदर चार चार का पेयर होता है ना बच्चों, हेक्सा वैल्यू में चार चार का पेयर होता है, तो बच्चों जो भी तुम्हारा नंबर है उसके राइट साइड से चार चार की पेयरिंग करो, करें ऐसे होगा, यहां से तुम्हारा आंसर आ गया बेटा 8, 4 और 2, 8, 4, 2 कितना होता है ई, और यहां से क्या आंसर आया बेटा 6, चलो आगे लड़को, आगे चले, बच्चों पैरिटी चेक के अंदर इसके कुछ फेलियर आपको पढ़ाने, हाँ ये कहां पे लिखे हैं फेलियर, हाँ आ जाओ बेटा पेज नंबर 96, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेलियर्स और लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेक, पेज नंबर 96, बच्चों वो आपसे कह रहा है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पैरिटी चेक मेथड फेल हो जाता है, हेडिंग डाल दो बेटा, ये हेडिंग डाली हुई है तो लिमिटेशन और फेलियर की हेडिंग को करेक्ट करो, करेक्ट का मतलब हाईलाइट करो, लिमिटेशन और फेलियर ऑफ पैरिटी चेक, सिचुएशन नंबर वन, लड़को सिचुएशन नंबर वन, इफ टू बिट्स आर इंटरचेंज दैट मींस वन की जगह जीरो और जीरो की जगह वन, दैट वुड नॉट डिटेक्ट द पैरिटी वैल्यू, इफ टू बिट्स आर इंटरचेंज, एग्जाम में अंग्रेजी लिखने को आएगी, हाँ यहाँ पे लिख लो, एग्जाम में अंग्रेजी लिखने को आएगी, वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पैरिटी चेक मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी कि ये उसके औकात से बाहर है ना भाई, आओ अंग्रेजी में क्या लिखोगे आप, इफ टू बिट्स आर इंटरचेंज दैट मींस वन की जगह जीरो और जीरो की जगह वन, तो पैरिटी बिट मेथड वुड नॉट बी एबल टू फाइंड एरर, अब ये होगा कैसे वो समझा रहा हूं, देखो बोर्ड पे देखो बेटा, एक तरफ तुम्हारे सेंडर है और एक तरफ तुम्हारे रिसीवर है, सेंडर ने डेटा सेंड करा, अच्छा इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है तुम्हारे पास, इवन एग्रीमेंट, सही है, यहां से डेटा सेंड हुआ बेटा 0110110,
बच्चों बताओ डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी बताओ डेटा करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट डेटा क्या है? बिल्कुल करेक्ट, कोई एरर नहीं है ना। रिसीवर तक डेटा पहुंचा और एक बिट इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज का मतलब यानी कि आपके पास ये जीरो इधर आ गया और ये वन इधर आ गया, हाँ इंटरचेंज हो गई। मैं कह रहा हूं इन दोनों को इंटरचेंज करना है, करके दिखाओ कैसे होगा। पहले तो इनके अलावा जो इनको कॉपी करो, जीरो वन वन जीरो वन, इनको छोड़ो बीच में क्या आएगा जीरो। अब बच्चों इस वन की जगह क्या पुट करूंगा और इस जीरो की जगह, बच्चों बताओ रिसीवर के पास भी इवन एग्रीमेंट है, तो रिसीवर बोलेगा ये भी बिल्कुल क्या है करेक्ट है, रिसीवर कहेगा ये भी बिल्कुल क्या है करेक्ट है। हो गई गलती, पैरिटी चेक मेथड फेल हो गया यहाँ पर, पैरिटी चेक मेथड ने गलती कर दी ना। ये जो पैरिटी चेक मेथड की औकात के लिमिट से बाहर ये कहलाता है लिमिटेशन और फेलियर ऑफ पैरिटी चेक मेथड। एग्जाम में जी बोले चार्ट से करें तब भी मस्त आएगा, तब भी आएगा भाई। सेंडर ने भेजा कुछ और, रिसीवर के पास गया कुछ और, वो तो कह रहा है इवन है, है ना। बच्चों एग्जाम में सवाल कैसे आता है, तीन सिचुएशन बताएं जिसमें पैरिटी चेक मेथड मे नॉट आइडेंटिफाई दैट बिट हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली। क्या मतलब कि भाई वो जब सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा पैरिटी चेक मेथड फाइंड ही नहीं कर पाएगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। सिचुएशन नंबर वन क्या, जरा पढ़ के बताओ जोर से। टू बिट्स इंटरचेंज, दैट मींस वन की जगह जीरो और जीरो की जगह वन, दैट वुड डिटेक्ट, दैट वुड चेंज द पैरिटी वैल्यू। सिचुएशन नंबर टू आइए, ये भी फेलियर है, ये भी फेलियर है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है लड़कों? ट्रांसपोज इवन नंबर ऑफ बिट्स जो है अगर ट्रांसपोज हो जाए लड़कों, ये सेम ऊपर वाली एग्जांपल नहीं भाई, स्वैप हो जाए ना। फॉर एग्जांपल सेंडर ने डेटा सेंड करा जीरो, इवन नंबर ऑफ एग्रीमेंट आएगा हाँ 011 001 1 8। आठ हो गए बच्चों, करेक्ट है इनकरेक्ट है लड़कों? ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है ना। रिसीवर के पास डेटा पहुंचा हाँ, इवन नंबर ऑफ बिट्स बेटा ट्रांसपोज हो रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब है दूसरी जगह पे आ जाए यहाँ बच्चों। अगर मैं कहता हूँ दूसरी जगह पे ये आ रहे हैं, क्या मतलब बच्चों? मैं कहता हूँ इसको उठाओ और ट्रांसपोज कर दो इधर हाँ, और इसको उठाओ ट्रांसपोज कर दो इधर, तो ये वही तो हुआ है, इंटरचेंज वाला हुआ ना, बस इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसको उठा के उधर, उसको उठा के इधर, तो बच्चों होगा क्या 0110 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1 1 और 1 एज इट इज रहा यहाँ पर क्या आ गया 0। क्या ये ऊपर वाला नहीं है? सेम एज इट इज, सेम ही है, बस ऊपर अंग्रेजी में क्या बोला है उसने बेटा टू बिट्स इंटरचेंज, यहाँ पर अंग्रेजी में क्या बोला है इवन नंबर ऑफ बिट्स में क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अच्छा इसके अंदर उसने सिर्फ इवन का बोला, ऊपर वाले में तो ऑड वाला भी आ सकता था ना हाँ, चलो तो इस नीचे वाले में ऑड नहीं आएगा, ऑड होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, ऑड होगा तो डिटेक्ट, तो फिर तो डिटेक्ट कर लेगा ना, ये तो उसकी रेंज से बाहर है ना। हाँ वो नीचे आएगा। सिचुएशन नंबर थ्री बच्चों, यहाँ तो कोई मसला है बच्चों? सिचुएशन वन सिचुएशन टू जो है ये पैरिटी चेक की अच्छाई है बुराई है? बुराई। आइए सिचुएशन नंबर थ्री, ये वाली बात बेटा, सिचुएशन नंबर थ्री ये भी लिमिटेशन है। आइए पढ़ के बताएं क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं। इफ देयर आर मल्टीपल्स एरर इन द सेम बाइट और कॉलम तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाए, यही सवाल था ना। आओ बच्चों मैं कहता हूँ यार एक ऑड एग्रीमेंट है बेटा, इस ऑड एग्रीमेंट में बिल्कुल करेक्ट डेटा जाएगा, कैसे जाएगा देखो 0001110 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डेटा करेक्ट है इनकरेक्ट कैसे पता? ऑड रिसीवर के पास डेटा पहुंचा, रिसीवर कह रहा है दो बिट यानी कि 00 जो है ना इसको चेंज करके उसने कुछ और कर दिया क्या 11। अब क्या हुआ बच्चों 0 1 1 जो उसने चेंज कराया बाकी सब एज इट इज कॉपी करो 1 1 1 0 0 बच्चों। रिसीवर इसको बोलेगा ये भी बिल्कुल सही है ऑड हाँ,
और पैरिटी चेक मेथड बोलेगा ओहो बिल्कुल सही डेटा आया है, ओ भाई डेटा तो बिल्कुल गलत आया है ना, दैट मींस अगर मल्टीपल एरर होगा सेम बाइट के अंदर, अंग्रेजी क्या लिखी हुई है, इफ देयर आर मल्टीपल एरर इन द सेम बाइट और कॉलम दैट इज प्रोड्यूस द सेम पैरिटी। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ये तीन सिचुएशन एग्जाम में आती है, क्या सवाल आता है, राइट डाउन द थ्री सिचुएशन, write down the three situation in which parity check may not identify the bit has been transmitted incorrect. sahi hai, parity check se aage niklo beta, order bhi sawal mein given hoga, pehli aur teesri, chalo bachcho next padhane ja raha hu aapko, uska naam hai kya, checksum, aao bachcho checksum dekhiye page number 97। एरर चेकिंग मेथड नंबर टू, एरर चेकिंग या डिडक्शन मेथड नंबर टू, लड़को बेटा चेकसम का मतलब क्या है इसको जरा समझिएगा। चेकसम एक ओरिजिनल डेटा नहीं है, चेकसम का मतलब होता है एडिशनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चों, एडिशनल वैल्यू, लड़को बोर्ड पे देखें, चेकसम ओरिजिनल डेटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंडर हूं, मैं सेंडर से रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा हूँ, मेरा डेटा के आगे मैंने एक एडिशनल वैल्यू लगा दी, उस एडिशनल वैल्यू का नाम क्या है बेटा, चेकसम। क्या नाम है, चेकसम ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, उस ओरिजिनल वैल्यू के आगे आपने जो एडिशनल चीज लगाई है उसका नाम क्या है, चेकसम। मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ रिसीवर को, फॉर एग्जाम्पल मैं सेंडर हूँ आकिब और रिसीवर है उमर, मैं सेंडर हूँ और ये रिसीवर है उमर, ठीक हो गया। अच्छा मैंने डेटा सेंड करा और डेटा के आगे चेकसम लगा दिया थ्री, कितना लगा दिया थ्री, डेटा आ गया बेटा रिसीवर के पास, रिसीवर के पास चेकसम आ गया फोर। इफ चेकसम इज डिफरेंट एट सेंडर और रिसीवर्स एंड, इफ चेकसम इज डिफरेंट एट सेंडर्स और रिसीवर्स एंड दैट मींस एरर है, दैट मींस एरर है। बट इफ चेकसम इज सेम both sender and receivers and that means no error। बच्चों checksum recalculate होता है sending end पे receiving end पे, checksum recalculate कहाँ होगा, भेजते वक्त या receive करते वक्त, भेजते वक्त या receive करते वक्त, receive करते वक्त। checksum original data है या additional value है, हाँ additional। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जरा देखिए, मेरे साथ देखिए ये सब बातें, आप बोलोगे कि सर ये ओरिजिनल डेटा है, इस डेटा के आगे जो चिपक जाती है ना वैल्यू वो क्या कहलाती है बेटा, एडिशनल वैल्यू। एडिशनल वैल्यू इज कॉल्ड चेकसम, यूज्ड टू चेक एरर। और चेकसम हमेशा शुरू में लगता है या एंड ऑफ ब्लॉक लगेगा, एंड ऑफ ब्लॉक। रिकैलकुलेट आफ्टर ट्रांसमिशन, इफ चेकसम इज सेम दैट मींस कोई एरर नहीं, दैट मींस कोई एरर नहीं। पेज नंबर 97 पे डायग्राम बना ले, तो आपके पास चेकसम की डेफिनेशन है, आप आइए चेकसम की डेफिनेशन बता दो, हाईलाइट करिएगा। चेकसम इज अनदर वे ऑफ चेकिंग डेटा दैट डेटा हैज बीन चेंज्ड और करप्ट द फॉलोइंग ट्रांसमिशन। या दूसरी डेफिनेशन जो अच्छी है वो क्या है, डेटा सेंड होगा ब्लॉक के अंदर और एडिशनल वैल्यू जाएगी, एडिशनल वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, चेकसम। और चेकसम शुरू में जाती है आखिर में जाती है, एंड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ब्लॉक। बच्चों एग्जाम में सवाल आ गया था एक मरतबा कि डिफाइन द टर्म चेकसम, राइट फोर पॉइंट्स, तो फोर पॉइंट ये रहे जो मैंने हाईलाइट करे, मैंने तो पास कर दिया। डिफाइन द टर्म चेकसम, नंबर वन डेटा सेंड होगा किसमें बेटा, ब्लॉक में, पॉइंट नंबर वन। एन एडिशनल वैल्यू कॉल्ड द चेकसम जो कि सेंड होगा किसमें बेटा, एंड ऑफ ब्लॉक के अंदर, दिस इज पॉइंट नंबर टू, टिक करें इसको, टिक करो उसको। Point number three, if checksum at the receiver's end does not match the checksum at the sender's end, क्या मतलब? ये point बड़ा important है. If checksum at the receiver's end does not match the checksum at the end of the data block, यानी कि sending end पे, that means transmission में क्या बेटा, error. फिर point number four जो मैंने करा इसको highlight करो, value is recalculated after transmission. Point number five, value are compared after transmission to check for error. सही है, ये चार पॉइंट या पांच पॉइंट आपको लिखने एग्जाम में आ चुके हैं, डिस्क्राइब करने, एक्सप्लेन करने। चलो
बच्चों एग्जाम में एक कंडीशन दी हुई है, एक चीज आपको बताई हुई है, वो जरा देखो। जो सवाल होता है ना उसको हम बोलते हैं सम ऑफ बाइट, हाँ, सम ऑफ बाइट ऑफ ब्लॉक ऑफ डेटा शुड बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 255। अगर आपका लेट अज्यूम दैट द चेकसम ऑफ द ब्लॉक ऑफ डेटा इज 1 byte, ना 1 byte का मतलब 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256 कितनी होती है बेटा, 256। तो सम ऑफ बाइट ऑफ डेटा जो है ना वो 255 से छोटा और बराबर नहीं होना चाहिए। योर क्वेश्चन शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 255। अगर आपका सवाल कि आपका सम ऑफ बाइट, आपका सम ऑफ बाइट अगर 255 से छोटा है ना, या 255 भी है, तो आप उसका चेकसम फाइंड नहीं कर सकते, नॉट बी एबल टू फाइंड चेकसम। देखो ये बात, इफ योर क्वेश्चन इज लेस देन इक्वल टू 255 तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड चेकसम। सो बच्चों चेकसम फाइंड करने के लिए योर सम ऑफ बाइट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 255। मुझे बताओ अगर सम ऑफ बाइट 255 हो तो फाइंड कर सकता हूं, नहीं कर सकता, नहीं। अगर 256 हुआ तो फाइंड कर सकता, 9945 हुआ तो फाइंड कर सकता हूं। तो बच्चों ये 255 क्यों है, क्योंकि डेटा किसमें जाएगा, 1 byte में। बाइट का मतलब 2 की पावर 8 का मतलब 256। योर क्वेश्चन या सम ऑफ बाइट शुड बी ग्रेटर देन 255। सही है बच्चों, आज सवाल देखें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ जरा ये देखना, एल्गोरिथम में लिखा हुआ जो भी तुम्हारा सवाल होगा ना उसको डिवाइड कर देना 256 से, जो भी तुम्हारा सवाल होगा ना उसको डिवाइड कर देना किससे बच्चों, 256। कर दिया आपने नीचे, योर क्वेश्चन इज 1223, 1223 को डिवाइड कर दिया 256 से, 1223 को डिवाइड कर दिया किससे, सही। तुम्हारा आंसर आ गया 4.7। क्या आंसर आ गया, ऊपर एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ है, राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं करना, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेना। तो बच्चों 4.78 में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है, अगर 4.9 भी होता तो मैं क्या लेता, 4। 7.66 भी होता तो मैं क्या लेता, 7। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले वाली, यहां तक कोई मसला है बेटा। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप इसी पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बेटा, 256। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 256। मैं जरा याद करवाता हूं आपको, स्टेप नंबर 1 में डिवाइड किया किससे, 256। स्टेप नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 256। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करा, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, बस किसको हटा दिया, डेसिमल पॉइंट। बच्चों एक बात बताओ, चेकसम ओरिजिनल डेटा था या एडिशनल वैल्यू थी, एडिशनल वैल्यू लास्ट में हमेशा क्या होगी, माइनस, लास्ट में हमेशा क्या होगी, माइनस। स्टेप नंबर 4 देखेंगे आप लोग। बच्चों जो तुम्हारा सवाल था ना, सवाल क्या है, 1223, सवाल क्या है, 1223, उसको माइनस कर दो स्टेप 3 के आंसर से। स्टेप 3 का आंसर क्या है, 1024। स्टेप 3 का आंसर क्या है, 1024। आपका जो सवाल है ना वो सवाल माइनस हो गया स्टेप 3 के आंसर से, वो सवाल माइनस हो गया किससे बेटा, स्टेप 3 के आंसर से। आपका जो सवाल है वो माइनस हो गया किससे, स्टेप 3 के आंसर से। बेटा स्टेप 3 के आंसर से हमेशा माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो एडिशन वैल्यू, क्योंकि वो क्या है, एडिशन वैल्यू। एल्गोरिथम समझ आ गया, अगला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल मुझे बताएं, पहले ये देखो, इस सवाल के अंदर आपको उसने बोला 1805 दिया हुआ है, 1805 को आपने डिवाइड कर दिया किससे बेटा, 256। कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 98 पे सवाल लिखा हुआ है बेटा। 1805 को आपने डिवाइड करा किससे, 256 से, आंसर आया 7.05। स्टेप 2 के अंदर आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को खा गए, आंसर क्या आ गया, 7। स्टेप 3 के अंदर आपने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा, 250। स्टेप 4 के अंदर जो तुम्हारा सवाल था ना उसको माइनस कर दिया स्टेप 3 के आंसर से, तो आंसर कितना बन गया, 13। योर चेक सम इज 13। क्या हुआ, हाँ हाँ सही, 1805 ये होगा। योर आंसर इज, अच्छा कैन यू फाइंड द चेकसम ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ बाइट विच इज 148। 148 का फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जाहिल लोग है क्या, नहीं कर सकते। आपने बोला सर योर ब्लॉक ऑफ बाइट शुड बी
greater than 255 now, and this question is less than what 255. It is not be possible to find the check sum. क्यों नहीं find कर पाया? अगला सवाल देखिए 1450. चलो बच्चों मेरे साथ करके दिखाएंगे. 1450 को डिवाइड किया किससे? 256 से. आंसर कितना आया? 5.66. हाँ? 5.66. गलत बोलो. 5.66. सेपरेट करो, 5 आएगा. 5 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 आ गया. फिर बच्चों 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 256 से. 5 जब मल्टीप्लाई होगा 256 से, आंसर क्या आएगा? 1, 2. स्टेप नंबर 4 में जो तुम्हारा सवाल था, उस सवाल में से स्टेप 3 का आंसर, यानी कि 1450 माइनस 1280 कितना आया आंसर? हाँ, 17 इज योर चेक. करो सोमान. स्टेप 1 का आंसर क्या है? 15 पॉइंट. चलो फिर यहां से सेपरेट करा, आंसर आ गया 15. फिर इसी 15 को मल्टीप्लाई करा 256 से, कितना आंसर आया? 38. फिर आपने सवाल में से 4095 में से माइनस कर दिया 3840. आया बच्चों, ये तुम्हारा चेक सम. लड़को सही है? चेक सम बेटा एडिशनल वैल्यू है ना. चेक सम क्या है? एडिशनल वैल्यू, चूंकि डेटा को फाइंड कर. बच्चों लास्ट मुझे कराना है एआरक्यू. अभी कर ARQ की सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, 2 मिनट की. सिर्फ बोर्ड पर देखे बच्चों, ये देखें, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ बोर्ड पर देखें. ARQ का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. क्या होगा? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा? आप सेंडर को डेटा सेंड करोगे. जब आप सेंडर को डेटा सेंड करते हो ना, बोर्ड पर देखो लड़को, जब आप सेंडर को डेटा सेंड करोगे, तो सेंडर को जब आप डेटा सेंड कर रहे हो ना, सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक टाइम डिसाइड करेंगे, उसको हम बोलेंगे टाइम आउट. क्या बोलेंगे? टाइम आउट. टाइम आउट फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन, या मैंने एक एग्जांपल में 4 सेकंड डिसाइड कर लिया. 4 तो खैर बहुत बड़ा हो गया. फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का टाइम आउट डिसाइड कर लिया कि भाई सेंडर रिसीवर को जब डेटा सेंड कर रहा है ना, तो 1 सेकंड में डेटा जाया. हाँ, तो भाई 1 सेकंड के दरमियान अगर डेटा नहीं गया, रिसीवर इसको फॉरन से रिप्लाई करेगा. रिप्लाई करने को बोलूंगा एक्नॉलेजमेंट. क्या बोलूंगा? एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट 2 तरीके से आते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, भाई आपको समझ आया? आपने कहा जी सर समझ आ गया. मेरे लिए ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है. मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा आप. मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं आपसे कहता हूं आपको समझ आया, आपने कहा सर नहीं समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा. तो बच्चों जो आप मुझे बोलते हो कि समझ आ गया, वो मेरे लिए है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट. और बच्चों वो जो मुझे जो आपको समझ नहीं आया, वो क्या बेटा? मेरे लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. अब सुनना, सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड करा, सही है, टाइम आउट के अंदर रिसीवर तक पहुंच गया, तो रिसीवर इसको रिप्लाई करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा, और वो एक्नॉलेजमेंट कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट. पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का कोई एक्शन नहीं होता. पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का कोई एक्शन बेटा, सेंडर के पास अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा ना, सेंडर के पास अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो सेंडर दोबारा डेटा सेंड नहीं करेगा. रिसीवर के पास, दोबारा सुनना, अगर फॉर एग्जांपल सेंडर ने डेटा सेंड करा और रिसीवर के पास पहुंचने से पहले टाइम आउट हो गया, तो रिसीवर आपको जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वो कौन सा भेजेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. कौन सा भेजेगा? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 2 सूरत पे आता है. नंबर 1, या तो टाइम आउट एक्सीड हो जाए. नंबर 1, या तो टाइम आउट एक्सीड हो जाए. क्या?
भाई टाइम आउट के अंदर ही यहाँ रिसीवर के पास डेटा तो मिल गया एक सेकंड के अंदर, बट जो डेटा है वो डेटा ही गलत मिला है, तब भी रिसीवर इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। कंडीशन नंबर टू सुन लो भाई, विद इन अ टाइम आउट डेटा कंटेन्स एन एरर। बोलो क्या? विद इन अ टाइम आउट डेटा कंटेन्स एरर, तब भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा। किसके पास बच्चों? सेंडर के पास। बच्चों एक्नॉलेजमेंट हमेशा कौन रिसीव करता है? सेंडर। भेजता कौन है? रिसीवर भेजता है। किसको सेंड करता है? सेंडर को। सेंडर के पास अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा लड़कों, सेंडर के पास जब जब नेगेटिव रिप्लाई या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, सेंडर दोबारा से डेटा सेंड करेगा। दोबारा से सेंड करने को बोलते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। बच्चों एआरक्यू के अंदर मुझे बताओ, एआरक्यू में ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग में ए से तो ऑटोमेटिक आ गया, आर से रिपीट आ गया, तो ये भी आर होना चाहिए था ना। हाँ, ए आर आर नहीं है, ए ऑटोमेटिक, आर से रिपीट, और ये वाले क्यू आएगा, इसका क्यू ले लिया, ए आर क्यू। क्या मिला? ए आर क्यू। बेटा ए आर क्यू के अंदर मुझे बताओ कितने तरीके के एक्नॉलेजमेंट होते हैं? कौन कौन से? पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट में रिप्लाई होता है या नहीं होता? पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट में सेंडर को एक्शन लेगा नहीं लेगा? सेंडर कब एक्शन लेगा? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दो सूरत में आते हैं। नंबर वन, या तो टाइम आउट एक्सीड हो जाए या विदिन अ टाइम एरर हो जाए। जब जब सेंडर के पास फीडबैक या एक्नॉलेजमेंट आएगा वो नेगेटिव होगा, तो सेंडर दोबारा से डेटा सेंड करेगा जब तक वो डेटा प्रॉपर रिसीवर के पास ना पहुंचे। क्लियर है? ये पूरी की पूरी चीज डेफिनेशन में आती है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई आपके पास। सही है? ये चार पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद क्लास करो।